हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कंटोनमेंट बोर्ड बैरकपुर में वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो मैंने ऑफिशियल पेज को ओपन करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का मतलब पोस्ट है, फिर यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का है, फिर असिस्टेंट टीचर का है। ठीक है, तो देख सकते हैं फिर स्टार्ट डेट 30 मतलब कि तारीख से स्टार्ट हो चुका है। होप्स आपने कहीं ने भरा होगा। फिर एप्लीकेशन एंड जो डेट है फ्रेंड, यह मतलब 29/12 तक है, मतलब कि 29 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो वैकेंसी निकाली गई है कंटोनमेंट बोर्ड में, जैसे कि स्टाफ नर्स का, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट टीचर का, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एप्लीकेशन फी क्या होगा, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, इस तरह के इंटरफेस पे आप आ जाओगे। यहां से डायरेक्टली आप जाके नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस तरह का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करना होगा तो आपको व्यू पे करना होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिसर बैरकपुर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अब 3 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाली गई, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो स्टाफ नर्स का टोटल 1 पोस्ट है दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क का 5 है, वही असिस्टेंट टीचर का 11 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और साथ ही कैटेगरी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में निकाला गया है स्टाफ नर्स का, जनरल में निकाला गया है, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क का जो 5 वैकेंसी निकाली गई है, जनरल SC ST और OBC के लिए निकाली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, फिर है असिस्टेंट टीचर का, देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर का जनरल का 4 है, SC का 3, ST 1 और OBC का 3 है। पे स्केल की बात की जाए दोस्तों, तो पे स्केल देख सकते हैं 7,100 से लेकर 37,600 तक का है, प्लस जो ग्रेड पे मिलेगा स्टाफ नर्स को वह ₹3,600 होगा। इस प्रकार से आप पे स्केल चेक कर सकते हैं सभी का। LDC का भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्रेड पे 2,600 का दिया जाएगा, वही आपका जो सैलरी होगा 5,400 से लेकर 25,200 तक का होगा। एज लिमिट की बात की जाए तीनों पोस्ट के लिए, तो 18 से लेकर 25 वर्ष तीनों पोस्ट के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या तय किया गया है दोस्तों, तो लोअर डिवीजन क्लर्क का देख सकते हैं, इसमें मतलब कम से कम मतलब क्वालिफिकेशन है जो रखा गया आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। ठीक है, देख सकते हैं पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन, मतलब कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और आपका जो टाइपिंग का जो स्पीड होगा दोस्तों इंग्लिश में 30 WPM होना चाहिए। डिजायर्ड क्या होगा, तो देखिए कंप्यूटर नॉलेज इन इंग्लिश एंड हिंदी में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वही असिस्टेंट टीचर का भी आप देख सकते हैं। पास इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा किस में होना चाहिए, एलिमेंट्री एडुकेशन बाय वाट एवर नेम नॉन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एडुकेशन, मतलब कि NCTE के द्वारा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशियंसी इन टीचिंग बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक PDF का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे भी आके इस PDF को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ्रेंड, इसका जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो देखिए फ्रेंड, स्टाफ नर्स के लिए अगर आप भरते हैं, स्टाफ नर्स और असिस्टेंट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ इसमें ओनली रिटन टेस्ट वुड बी कंडक्टेड। अब देखिए LDC का आप एग्जाम देंगे, तो इसमें आपको पहले तो रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट देख सकते हैं MCQ होगा, जिसमें से निगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, अब स्किल टाइपिंग टेस्ट जो होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश का 30 WPM होना चाहिए। कैंडिडेट वुड हैव टू टाइप राइट अप इन अ गिवन टाइम पीरियड, आपको टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम पीरियड में आपको टाइप करना होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिटेन टेस्ट और फिर स्किल टाइपिंग टेस्ट। ओके, फिर देखिए फिर आपका जो सिलेबस है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं इस लिंक पे आपको जाके सिलेबस देख लेना होगा। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ डायरेक्टली बताया गया कि इटिमेशन
सॉरी इंटीमेशन फॉर टेस्ट शैल बी सेंट सेपरेटली टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा। और जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अभी देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए कितना आपको पेमेंट करना होगा, एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी 250 रुपया का होगा प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज लेविड बाय द बैंक। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी फिजिकली हैंडीकेप्ड आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, तो मतलब किसी भी तरह का भुगतान उन्हें नहीं लगेगा जो एससी एसटी फिजिकली हैंडीकेप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका लिंक अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, हालांकि इसी लिंक पे आपको आना होगा। तो आपने देखा स्टाफ नर्स मतलब LDC लोअर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट टीचर के बारे में, हमने देखा एज लिमिट क्या होगा, पे स्केल, क्वालिफिकेशन और कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई। अब आपको अप्लाई कैसे करना होगा, सपोज डेट दोस्तों आपको स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना होगा तो इस व्यू के टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस व्यू के टैब पे आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया है वीडियो में, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रोसीड प्लीज द टर्म्स, तो हाँ यहाँ पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा फिर प्रोसीड करना होगा। जैसे ही प्रोसीड आप लोग करोगे आपके सामने एक अगेन एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस मांगा जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सभी कुछ आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।